तो गाइस यहाँ मम्मी का फोटोशूट चल रहा है और हेलो गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं अब ड्यूटी से घर आ चुका हूँ और खाना पीना खा के एकदम रेडी हो चुका हूँ और आज मेरे घर पे खुशी का माहौल है क्योंकि मेरी मम्मी भी तीज का व्रत कर रखी है और सुबह से गाइस लिटरली सुबह से बिना खाए पिए भूखे प्यासे एकदम प्यासे यानी पानी तक नहीं पिया उन्होंने और ये व्रत इतना ज़्यादा मतलब कठोर होता है कि क्या बताएं। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि इस व्रत को कैसे करते हैं और इसका क्या विधि है और इस व्रत को कौन कौन कर सकता है ये भी बताऊंगा मैं आगे। तो चलेगा इस मैं अपने मम्मी पापा से मिलाता हूँ आपको कि उन्होंने बहुत अच्छा व्रत कर रखा है तो उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। तो लिटरली गाइस सुबह से मेरी मम्मी भूखे प्यासी है और इस व्रत के अंदर पानी तक नहीं पीते हैं। तो चलेगा इस मैं अभी मम्मी को मिलवाता हूँ और इसके बारे में इस व्रत को कैसे कर सकते हैं क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन ये व्रत कर सकता है। तो चलेगा इस मैं अभी अपने मम्मी पापा से मिलवाता हूँ और कोशिश ये रहेगी कि अगर पापा बता देते हैं इस चीज़ को तो और अच्छी बात है। तो चलेगा इस मिलवाता हूँ मम्मी पापा से अपने। तो गाइस ये रहे मेरे मम्मी पापा और मम्मी आज व्रत कर रखी है। तो मम्मी कैसा लग रहा है, व्रत लगा मम्मी व्रत करके? अच्छा लगा, भगवान इस तरह हम लोग जोड़ी लगाए रखे बनाए रखे कि हम लोग इसी तरह करते रहे व्रत। तो चलिए गाइस ये हर कोई के बस की बात नहीं है कि सुबह और मतलब सुबह के कल से एक तरह से देखा जाए तो बिना खाए पिए प्यासे रहा जाए। तो आज मेरी मम्मी है बिना कुछ खाए पिए। आप लोग दुआ कीजिए कि मम्मी का व्रत ऐसे सक्सेसफुल रहे, ऐसे तो 25 साल से करती आ रही है। तो पापा जी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, हिंदुओं का त्योहार है, करना चाहिए। बहुत कठिन त्योहार है, इसमें 24 घंटा निर्जला बिना जल बिना अन्न रहना पड़ता है। इसका नाम हरितालिका व्रत। इसमें पार्वती जी को सखियों द्वारा हर के और जंगल में ले गए थे, इसलिए इसका नाम है हरिताल का, मैंने अपहरण टाइप का मतलब उनको हुआ था इसलिए बनाया गया। और ये पति के लंबे सौभाग्य के लिए लंबी आयु के लिए किया जाता है व्रत। और ये पहले पहले इस व्रत को माँ पार्वती ने किया था शंकर जी को पाने के लिए, तब से यह प्रथा सदियों से यह प्रथा चला हुआ आ रहा है। और ये भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है और सभी हिंदू परिवार की औरतें इसे बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाती हैं। तो गाइस पापा जी ने सब कुछ बता दिया कि कितना मुश्किल से यह व्रत होता है और कितना कष्ट झेल के सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि बिना पानी के यार रहना बहुत ही मुश्किल चीज है। तो चलेगा इस मैं दिखाता रहूंगा कि मम्मी का अभी कितना समय हो गया। ऐसे सुबह से देखा जाए तो मैं आपको समय दिखा देता हूँ कितना समय हो गया टोटल। हाँ समय हो चुका है आपका 5:30, ये 10 मिनट फास्ट है तो 5:30 हो चुका है। सुबह से अभी व्रत है और अभी पूरे रात भर नहीं खाएंगे, कल जाके अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास मिलता है, यानी 12 घंटे और हैं मम्मी के लिए। तो गाइस मम्मी भी आ गई। तो मम्मी कुछ कहना है बेटे के चैनल के लिए? बस क्या बोले आपको, आप लोग का प्यार आप लोग का आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बस यही विनती है आप लोग के। तो चलिए गाइस मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ और अब जाने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद मंदिर जाऊँगा, फिर आपको आरती भी दिखाना है आरती जाके। तो गाइस यहाँ मम्मी का फोटोशूट चल रहा है और मम्मी को फोटोशूट करने के लिए आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो ये इसका एरिया है और इधर प्रोग्राम होने वाला है गणपति बाबा का, तो जल्दी ही वो भी दिखाया करूँगा मैं आपको ब्लॉग के अंदर रोज। और ये एरिया है। तो हेलो गाइस मैं फिर मंदिर जा रहा हूँ और आपको वहीं से जाकर दर्शन करवाता हूँ माता रानी का। मैं मंदिर के छत पे आ चुका हूँ और यहाँ से पूरा दिल्ली दिखता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आरएसएस की बिल्डिंग बन रही है और ये देखो क्या जबरदस्त मौसम है और इसका व्यू देखो कितना कितना ज्यादा जूम है इसका।
देख रहे हो अभी और ज्यादा जूम है इसका। आजकल ये ट्रेंड चला है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने वाला। इधर का व्यू देखो, इधर सामने जामा मस्जिद भी दिखता है। इस ये देखो जामा मस्जिद के पीछे लाल किला दिखेगा। तो गाइस आज हमारे साथ आए हुए हैं हमारे मधु मंगल जी और सत्यजीत जी जो बंगाल से आए हुए हैं और इनका अपना एक चैनल भी है। तो अभी ये बताएंगे अपने चैनल का नाम और चलिए इन्हीं से सुन लेते हैं कैसा रहा इनका सफ़र। देखिए हम बंगाल से इतने दूर आए हैं प्रिंस जी से मिलने के लिए और इनका चैनल का नाम है रियल लाइफ एंटरटेनमेंट है जो आप डेली उसमें भगवान की जब मंदिर की बहुत सारी कथा सुनते होंगे इनसे और बहुत हार्डवर्किंग है, बहुत मेहनती है ये दादा, बहुत अच्छे से बनाते हैं वीडियो। इनका वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। बंगाली में बोले तो इसको बोलते हैं कि आप सबाई ये वीडियोगुलो देखें, शेयर करबें एवं सपोर्ट करबें। और हमार चैनल अच्छे डिटेल वजर इंडिया, आप सब लोग मेरे को भी सपोर्ट करना, इनको भी सपोर्ट करना, ठीक है ना। तो भैया का चैनल का नाम आपने सुन लिया, बिटल बाजार इंडिया, बिटल बाजार इंडिया क्या है, बिटल बाजार इंडिया है, बिटल बाजार इंडिया है इनका चैनल का नाम। इनको भी सपोर्ट करना, आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है व्यूअर है सभी इनको फॉलो सब्सक्राइब कर देना और इनके वीडियोज को भी देखना, मैं भी देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है इनका वीडियो। तो हम तो दोनों का ही वीडियो देखते हैं लेकिन हमारा कोई चैनल नहीं है, लेकिन हमारा दोनों का ही चैनल का सब्सक्राइब करना है तो बहुत अच्छा लगता है वीडियो। और भाई का वीडियो 8:30 बजे से पहले आ जाता है और मंदिर का कुछ तो पार्ट आता ही है, इसलिए हम तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप भी सपोर्ट कीजिए हमारा भाई को, प्रिंस जी को, ठीक है। इसका रियल लाइफ चैनल है, रियल लाइफ एंजॉयमेंट चैनल है, तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं मंदिर का दर्शन कराते हैं। ये दोस्तों ये वीडियो 1 मिलियन होना चाहिए, व्यूज आना चाहिए, इस पर 10,000 सब्सक्राइबर भी आना चाहिए ताकि भाई का चैनल हम और भी नया नया वीडियो देख पाए आगे जाके। हर तो, के कमेंट करो गाइस, ये दिल्ली का रात का व्यू है और देखो क्या मस्त नज़ारा है। और ये हमारा मंदिर, सेवादार भाई बंधु प्रसाद खाते हुए। तो हेलो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ और ऑलमोस्ट मेरा सारा एडिटिंग का काम पूरा हो चुका है। और चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन को दबा दे क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।